हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है नए सफर नए एडवेंचर में। आज है 4 सितंबर और मैं हूँ यार अभी सापा में। तो सुबह सोच रहे थे कहीं निकले स्कूटी रेंट पे लेकर कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करें, बट जब हम सुबह उठे तो देखा यहाँ बारिश हो रही है। तो बस अभी जस्ट नीचे हॉस्टल से मैंने नीचे जो रहते हैं लोग जिनका हॉस्टल है उनको मैंने कॉफ़ी बोली है, तो जस्ट मुझे कॉफ़ी आ रही है अभी। तो कॉफ़ी भी आ चुकी है तो कॉफ़ी ले लेते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो कॉफ़ी आ चुकी है, कॉफ़ी लेते हैं और बारिश रुकने का वेट करते हैं। जब बारिश रुकेगी तो फिर निकलेंगे कहीं बाहर स्कूटी रेंट पे लेकर या फिर ऑटो, कुछ भी ना कुछ कन्वेंस जो भी होगा बुक करके निकलेंगे। तो दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पर बारिश कैसी हो रही है। वेट, देखो गाइस, देखो यार पूरा रोड वोड भीगा पड़ा है। आज तो मुझे लग रहा है कि हम हॉस्टल ही बैठे रहेंगे और मैं अपना वीडियो एडिटिंग वेटिंग का काम कर लूँगा। हॉस्टल तो मैं आपको दिखाई चुका हूँ स्टार्टिंग में, फिर भी थोड़ा सा देख लो आप। ये मेरी कॉफ़ी आ चुकी है। तो कैसा भी जैसा भी कुछ होता है अपडेट आएगा, कहाँ निकल रहे कहाँ निकल रहे मैं आपको बताता हूँ। जब तक मैं कॉफ़ी पी लेता हूँ और चलो मिलते आगे, बाय बाय। गाय देखो यहाँ का दूध कैसा होता है, अपने यहाँ पर लिक्विड टाइप होता है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा इनका दूध यार। देखो आपको कॉफ़ी में हर जगह यही दूध मिलेगा पूरे वियतनाम में, तो हम तो उसी को लेके अभी तक कॉफ़ी पी रहे हैं। तो आप आओगे तो आप देखोगे तो कोई नई चीज़ नहीं है ये। देखो इस तरह से मिलता है दूध यहाँ पर। हेलो गाइस, फाइनली हम निकल चुके अपने होटल से, बस अब रास्ते पे ही है। अभी गूगल पे सर्च किया कोई इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पे, तो जाते हैं वहाँ पे देखते हैं इंडियन रेस्टोरेंट का खाना कैसा है, क्योंकि वो गूगल पे दिखा रहा है कि वो टेम्प्रेरी क्लोज है, बट यहाँ के जो लोकल है वो बता रहे हैं कि वो ओपन होता है। तो देख लेते हैं, अगर खुला होगा तो खाना खाते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ का व्यू कि कैसा वहाँ का होटल है, कैसा दिखता है वो। तो बस चलते हैं वहाँ पे और कैसा क्या रहता है दिखाते हैं आपको। अभी सोच तो रहे कहीं पर निकले, तो बाइक वाइक देखते हैं, अगर रेंट पर मिल जाती है तो बाइक रेंट पर लेकर थोड़ा घूम लेते हैं। अदरवाइज रात की तो हमारी बस आई 10:30 की, तो 10:30 निकलेंगे। क्योंकि हमारे साथ में जो दो इंडियन भाई बहन थे हमारे, जो हमारे इंडिया से आए हैं, उनके एक का पैर ना एंकल ट्विस्ट हो गया यार, तो बस अब उनको चोट लग चुकी है पैर के अंदर। देखो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यार वो लंगड़ा चल रही हैं, तो उनके पैर को चोट लग गई है। तो अभी हमको यहाँ से केमिस्ट से उनके लिए कोई दवाई ववाई ले लेते हैं, तो जिससे कि वो उनका पैर अगर ठीक लगे तो आगे का हम देखते हैं फिर आगे क्या रहता है। चलते फिर आगे, मिलते आपसे आगे कोई रेस्टोरेंट के पास में। गाइज हम आ तो चुके हैं इंडियन रेस्टोरेंट पे, बट जो गूगल पे दिखा रहा था तो सही दिखा रहा है। ये देखो नमस्ते सापा, ये क्लोज है, नहीं खुला हुआ है, तो गूगल पे ठीक दिखा रहा है कि टेम्प्रेरी क्लोज है ये। तो अब देखते हैं कुछ और डिफरेंट प्लेस सर्च करते हैं खाने के लिए, क्योंकि 12:30 एक बज चुके हैं और अभी तक कुछ खाया तो नहीं है। देखते हैं क्या अब ऑप्शन मिलता है यहाँ खाने के लिए जो हमें पसंद आता है। तो मिलते हैं सीधा डिफरेंट रेस्टोरेंट पर आपको। गाइज वापस आ चुके हैं हम सन प्लाजा सापा स्टेशन, और जैसा कि मैंने दिखाया था कल हमने एक जगह पे बर्गर और पिज़्ज़ा खाया था, तो वापस उसी रेस्टोरेंट जा रहे हैं। क्योंकि रीज़न है यार, उसका बर्गर का टेस्ट बड़ा अच्छा था और प्राइस ही बड़ा रीज़नेबल था। तो मैं दिखाता हूँ वो काफ़ी हमने खाया था। देखो यार सापा सेंटर होटल, तो यहीं पे हमने कल खाया था पिज़्ज़ा और बर्गर। तो बैठते हैं और खाते हैं, तो आप भी यहाँ पे आ सकते हो। ये नाम है गूगल पे सर्च करके आप यहाँ पे आके खा सकते हो। यहाँ पे इनका होटल भी बना हुआ है और यहाँ पे इनका रेस्टोरेंट भी है। ठीक है गाइस, खाते हुए मिलते हैं। तो गाइस ये आए हैं चिकन फ्राइड राइस, तो मैंने खा के देख लिया टेस्ट बड़ा अच्छा है इसका। तो मुझे अराउंड 200-250 रुपये में मिले हैं यहाँ के, मतलब अपने इंडियन करेंसी के हिसाब से टेस्ट अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है कि ये लोग फिश ऑयल यूज़ नहीं कर रहे हैं खाने के अंदर, तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है ना फिश ऑयल के स्मेल से, उनको प्रॉब्लम होता है। तो बेस्ट ऑप्शन है ये, आप खा सकते हो यहाँ पे आके। और एक ये कुछ स्प्रिंग रोल टाइप है, ये भी मंगाए हैं, तो ये भी अराउंड 100-150 रुपये के पड़े हैं। तो इसमें फिश ऑयल यूज़ नहीं है, इसके अंदर फ्राइड चिकन है। तो बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे आपके लिए, आप खा सकते हो यहाँ पे आके। गाइस खाना खा लिया है, दोबारा से बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो 2 घंटे वहाँ पे हम बैठे हैं और अब 3 बज चुके हैं। तो बस वहाँ से खाना के निकल चुका मैं आपको, मैंने खाने का आपको सारा दिखा दिया कितना था कैसे था। और बस आगे आते आते मैंने एक व्यू देखा, मैंने आपको दिखा दूँ तो क्या ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया, बारिश की वजह से हम कहीं जा नहीं पा रहे आज। तो दिखाता हूँ मैं आपको कैसा व्यू है, देखो यहाँ से। देखो यार
पता नहीं आपको कैमरे में दिख पा रहे हैं दिख पा रहा, बट मैं सामने से देख पा रहा हूँ बादल। देखो आप पहाड़ों के ऊपर कैसे आ चुके हैं। और ये देखो बादलों में बादल। और दिखाता हूँ आपको, एक छोटा सा हो रहा है आगे, मतलब बादल ऑलमोस्ट ना ऊपर आ चुके हैं बिल्डिंग्स के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर। ये देखो गाइस, तो बस ये मैं आ चुका हूँ अपने हॉस्टल के रास्ते पर, जाता हूँ हॉस्टल। और अब तो कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है कहीं निकलूँ, क्योंकि 3:30-4 बज चुके हैं। और अब स्कूटी रेंट पे लेकर कहीं जाना और वापस आना, और फिर 10 बजे 10:30 बजे तक अपनी बस पकड़ना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए बस हॉस्टल जाता हूँ। थोड़ी वीडियो एडिटिंग करी है, थोड़ी बची है, वो उसको एडिटिंग कंप्लीट करता हूँ, और बस फिर मिलते सीधा। अगर कहीं मैं बीच में निकला आसपास वॉकिंग डिस्टेंस तो आपको बताता हूँ, अदरवाइज शाम को जब मैं अपने हॉस्टल से निकलूँगा बस के लिए और खाना जहाँ पे खाऊँगा तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो मिलते अब सीधा आगे की वीडियो में। हेलो यार, मैं निकल चुका हूँ अपने हॉस्टल से, आप देख सकते हो सामान वान पैक करके मैं निकल चुका हूँ। चेकआउट तो मॉर्निंग में कर दिया था, बट सामान वान लेके अभी निकला हूँ। फिर यहाँ पर अगेन दोबारा देखो वेदर ख़राब हो गया, बारिश हो रही है, देखो पानी वानी। तो आज को मैं आपको आज के दिन तो कुछ दिखाई नहीं पाया वीडियो के अंदर, क्योंकि बारिश की वजह से पूरा दिन ही ख़राब हो गया। हो सकता है मैं इस वीडियो को अपलोड ना करूँ, और हो सकता है अपलोड कर दूँ, कुछ ना कुछ इसमें भी इन्फॉर्मेशन है आपको बताने के लिए। बस अब 2 घंटे बचते हैं हमारे पास में, को डिनर कर लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, फिर खाने के बाद में जाएंगे सापा बस स्टैंड और वहाँ से बस लेंगे अपने हनोई के लिए। तो बस चली गया तो 11 बजे और सुबह पहुँचेगी 5:30-6 बजे तक पहुँचा देगी, और यहाँ फिर दोबारा से बारिश स्टार्ट हो गई है। तो बस अब हम पे 2 घंटे बचते हैं, तो सोच रहे को डिनर कर लें, कुछ खा लें, और उसके बाद में फिर हम जाएंगे सापा बस स्टैंड और वहाँ से फिर बस अपनी ले लेंगे हनोई की। तो आज तो ऐसे कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि आपको पता ही यार वेदर कैसा हो चुका है, बारिश 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 बारिश। लेके जा रही है हमें आगे दोनों, ये सामने सामने वाली हमारी, ये दिस टू। ओके थैंक यू। बस में बैठ चुका हूँ, अभी रात के 11:30 बज रहे हैं, तो हम ही पहुँचेंगे सुबह 5:30-5 बजे तक। तो बस आपको यही बताना था, इन्फॉर्मेशन देनी थी कि बस ये हमें पहले वाली बस से बहुत सस्ती पड़ी है, अराउंड 300-400 रुपये का फ़र्क आया इसके अंदर, और पहले वाली बस से ज़्यादा बेटर बस है। तो आप देख सकते हैं बस के अंदर, दिखाते हैं आपको बस, ये देखो पहले वाली बस भी अच्छी थी, बट इतना बेटर है यार पहले वाली से। और बस आज के लिए इतना ही था, बाकी आपसे मिलते हैं कल के न्यू ब्लॉग में। आज मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया बारिश की वजह से, तो हॉस्टल में बैठे थक गए थे, अब सोते हैं, सुबह मिलते हैं। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो गाइस बाय बाय, सी यू टुमारो।